दुनिया में कहां किससे कैसे बात करनी है और उसका परिणाम क्या होता है, इसको देश आज अच्छी तरह से अनुभव कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में कैसे भारत को सम्मान के साथ बुलाया गया, हमारी बात सुनी गई। 50 साल बाद ये हुआ है भाइयों बहनों, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है, आपको आनंद होता है कि नहीं होता है, आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है। साथियों, इन 50 सालों में ज्यादातर समय देश में कांग्रेस और उसके ही सहयोगी दलों की सरकार रही है। क्यों वो भारत की बुलंद आवाज दुनिया के ऐसे मंचों पर नहीं रख पाए, क्या इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हाल में सऊदी अरब ने वहां के क्राउन प्रिंस भारत आए थे तो उनके सम्मान में भोजन था, तो भोजन पे हम बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है, हमारा मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जगती है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या, मैंने कहा हमारे मुसलमान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मोदी जी बताइए मैं क्या करूं, मैंने कहा भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी, 2 लाख कर दिया, 2 लाख। दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा, हमारे देश के मुसलमान हज यात्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया। ये भारत की आवाज सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने दूसरी बात कही, मैंने क्राउन प्रिंस से कहा कि भारत के नौजवान सऊदी अरेबिया में रोजी रोटी कमाने आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, ज्यादातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं, भले भोले लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, ज्यादातर मेरे मुसलमान परिवारों से होते हैं। अब उनसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको वहां के कानून का पालन नहीं पता होता है और बेचारे जेल चले जाते हैं और सालों तक जेल में रहते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए, उन्होंने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाए। उन्होंने कहा मोदी जी आपने कहा है ना, मैं आज आपको शाम तक जवाब दे दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस शाम को राष्ट्रपति भवन में जब हम डिनर पर बैठे थे तो उन्होंने कहा मोदी जी तो कुछ मीठा खा लो। मैंने कहा किस बात का, बोले सऊदी की जेल में भारत के जो 850 लोग थे उनको छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया। ये होता है दुनिया के साथ नाता भाई। मैं इन फैसलों के लिए सऊदी अरब को, क्राउन प्रिंस को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं भाइयों बहन। साथियों, ये विदेश में भारत के बढ़ते प्रभाव दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हमारे रिश्तों का एक और उदाहरण है। लेकिन
ये इसका भी उदाहरण है कि पहले कांग्रेस और उसके साथियों ने किस तरह से देश चलाया है। वोट लेकर के भूल जाने वाले ऐसे लोगों को अब भली भांति देश पहचान गया है। पहचान गए हो कि नहीं हो? अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करने वालों के पास मोदी को गाली देते रहने के सिवाय और कोई काम नहीं बचा है। मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, आप चीजों को बारीकी से देखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, क्या चल रहा है आजकल। साथियों, वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, वे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। आप मुझे बताइए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन उनकी प्राथमिकता है मोदी को खत्म करो, मेरी प्राथमिकता है आतंकवाद खत्म करो। वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोदी को खत्म करो, मैं कहता हूं आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करें, देश को गरीबी से मुक्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ हम सब एक होकर भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं कि आओ हम सब मिलकर देश के नौजवानों के लिए नए अवसर बनाए, उनके सपने पूरे करें, इसके लिए काम करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ सब मिलकर के देश में कुपोषण को खत्म करें, गंदगी को खत्म करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नियत नियत का फर्क है। साथियों, अपने देश को विश्व में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, नए रास्ते बना रहा हूं, और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, बिहार के लोग, देश के लोग इतने जागरूक हैं कि इनकी सारी बातें एक के बाद एक देश के सामने अब आ चुकी है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि इन्हें एक बार फिर सजा देंगे, उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे। ये अपनी राजनीति करते रहे, हम देश के विकास के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे।